मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों और महंतों के लिए स्थायी आश्रम बनाए जाएंगे। उन्होंने उज्जैन के धार्मिक स्वरूप के विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह विकास सभी के लिए खुशहाली के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी के सहयोग का आह्वान किया ताकि सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छा आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है, और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंतों, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर सिंहस्थ में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती है उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं, उस कष्ट का निवारण, ये हरिद्वार हमारा आदर्श है एक तरह से। हरिद्वार में ये परमानेंट सब चीजें हैं, तो हरिद्वार की तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं, और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हम अभी बात कर रहे हैं, अखाड़े, महामंडलेश्वर, महंत, संत, 2028 का जो सिंहस्थ आएगा, अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल, परमानेंट 4 लेन, 6 लेन, ये जो बाकी मूल सुविधा जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा कह रहे हैं, ये भी हम सारा निर्माण एक साथ चालू अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये करने के पीछे भाव ये है कि सबसे पहले हमारे इन सारी जगहों पे हमारे संत, महामंडलेश्वर, महंत आ जाएं, और जब इनकी सारी पूर्ति हो जाएगी फिर हम सभी प्रकार के समाजों के धर्मशालाओं के लिए भी समान रूप से गुंजाइश देने वाले, ताकि उज्जैन से सबका संबंध आता है, वो कोई भी समाज के हों, मूल रूप से अपने सनातन धर्मावलंबी लोगों को उज्जैन में आकर के अपने इस प्रकार की गतिविधि, कोई अन्य क्षेत्र चलाना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहता है, कोई अपनी और कोई सार्वजनिक गतिविधि चलाना चाहता है, उन सबको इस प्रकार से एकेडमिक साइड से भी कोई अपनी गतिविधि, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र या वेलनेस सेंटर, ऐसे जो भी इस तरह से बनेंगे, लेकिन पहला हक हमारे साधु संतों का है। हम सब मिलाकर के उज्जैन का और पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये इसके कारण से हमारे लिए ये जो बाद में कष्ट आते हैं कई बार, उस कष्टों का निवारण रहेगा जब हम समान रूप से विकास के लिए सबके रास्ते खुले रख रहे हैं। लेकिन जो हमारे विभिन्न प्रकार के जैसे हमारे देवस्थान है, उन देवस्थान के आसपास तो हमारे सारे धर्माचार्य आ जाएं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के आधार पर आज हमने ये प्रेस बुलाई भी थी, और इसीलिए टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर हमने इसमें कुछ बदलाव करने के निर्देश भी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव आया तो हमारे TNC वालों ने इसमें किया है कि भाई आप अपने इस स्थान पर, लेकिन ये जो हम निर्माण की उनको जो परमिशन दे रहे हैं वो परमिशन इस प्रकार से देंगे कि जैसे कम से कम 5 बीघा का एक भूखंड होगा और 5 बीघा के भूखंड में 4 बीघा ओपन रखना पड़ेगी, केवल 1 बीघा में वो अपना भवन या भूखंड बनाएंगे ताकि सभी के आश्रम में पर्याप्त रूप से खुला स्थान रहे, पार्किंग की जगह रहे, और जैसे वो अपने उस भवन को बनाना चाहे। तो सत्य मित्रानंद जी महाराज का आश्रम का एक उदाहरण है हरिद्वार का, कि वो ऊपर में थोड़ा बना सकते, तो ये केवल संतों को, महामंडलेश्वर, अखाड़े को, इनको ही छूट रहेगी, कोई व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की छूट या कमर्शियल रूप से इस प्रकार की छूट इस कैंपस में नहीं रहेगी, निजी स्तर पे कोई इसका उपयोग नहीं कर सकेगा, ये एक अपनी सरकार की इस पूरी प्रकार की योजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से हम अपने सभी प्रकार के बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद
जब हमारे पूरे साल में 5 करोड़ से ज्यादा धर्मलु यात्री उज्जैन आ रहे हैं और सभी प्रकार के आयोजन हर साल हर 2 महीने 4 महीने में हो रहे हैं, तो ये इन व्यवस्थाओं से मुझे लगता है कि सभी धार्मिक धर्मावलंबियों को बड़ा लाभ मिलेगा और इसी के पीछे हमारी ये मूल योजना बनी। मुझे लगता है कि इसकी विस्तार से बात करके बताना चाहिए। साथ ही साथ हमारे अपने जो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको मिली रही है, जैसे इंदौर से उज्जैन का रोड ये 6 लेन करने का टेंडर हमने करा दिया है, उज्जैन से जावरा का एक बड़ा ग्रीन फील्ड 4 लेन उसका बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है, इसी प्रकार से वृहदाकार योजना में इंदौर उज्जैन देवास और धार मिलाकर के वृहद रूप से विकसित करने का बड़ा प्लान, जैसे भोपाल इंदौर उज्जैन का, ऐसे जबलपुर ग्वालियर का, ये बड़े बड़े प्लान अलग से हम ला रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे अपने मूल रूप से खास करके जैसा उज्जैन का अपना स्वरूप है धार्मिक दृष्टि से, उसको बनाए रखने के लिए उस चीज पे भी हम गौर कर रहे हैं। तो जो जैसे बड़े बड़े प्रकार के विकास हो, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी साधु संतों की भी, ये पूरी इसमें भाव है ये बताने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि विस्तार से बाद में प्रशासन के माध्यम से भी बात आती रहेगी, लेकिन ये कल्पना आना चाहिए सबके बीच में। तो उज्जैन विकास प्राधिकरण इसमें बहुत जल्दी अपनी योजना लेके बढ़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।